सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल में मरीजों का तांता लगा हुआ है। हॉस्पिटल में हर रोज करीबन 1250 मरीज दवाई लेने के लिए पहुंचते हैं। दरअसल प्रदेश सरकार अब एचआईवी मरीजों के लिए पेंशन योजना लेकर आई है, जिसके तहत एचआईवी पॉजिटिव लोगों को हर महीने 2250 रुपए दिए जाएंगे। और इसी को लेकर जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश सरकार को लिस्ट भेजी है। प्रदेश की सरकार ने यह स्कीम इसलिए लागू की ताकि दैनिक जीवन में पीड़ित के आने जाने अन्य खर्च के लिए सहायता मिल सके और वह किसी पर बोझ ना बने। हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से जो भी एचआईवी का पीड़ित पेशेंट है, जो भी एचआईवी पॉजिटिव है, उसके लिए एक फाइनेंशियल स्कीम का प्रावधान है, जैसे कि 2250 रुपये हर महीने उसको दिए जाएंगे और यह पैसा उसकी जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं, डेली नीड्स हैं, उसके काम आएगा, उसके पोषण के काम आएगा। इसमें सरकार का ये लगातार प्रयास है कि वो उसको कुछ दिया जाए महीने का, ताकि उसको कई तरह की दिक्कतें होती हैं यहाँ सब सेंटर तक आने, हमारे एचआईवी केंद्र तक आने में दिक्कत होती है, खाने पीने की भी दिक्कत होती है, अच्छी न्यूट्रिशन की दिक्कत होती है। तो यह सोचकर सरकार ने 2250 रुपये हर महीने उसको देने का फैसला किया था, जो कि अब पूरा इम्प्लीमेंट होने को जा रहा है। इस महीने शायद उनको पेंशन वितरित कर दी जाएगी।